चलिएगा। तो यहाँ पे जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी, इसके बाद आगे की बात करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जैसे कि मैंने बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फॉर्मेशन हुआ, जो गठन हुआ, वो हुआ 1600, 31 दिसंबर 1600। अब एक्चुअली ये कंपनी 31 दिसंबर सन 1600 को अगर बात करें तो उस दिन क्या हुआ था एक्चुअली, वो मैं बताऊंगा। कंपनी तो 1599 में ही बन गई थी, यानी 1599 में ही कंपनी का एग्जिस्टेंस था या कंपनी का अस्तित्व था। तो एक्चुअली कंपनी 1599 से ही थी, लेकिन अगर 31 दिसंबर 1600 की बात करें तो इस दिन क्या खास बात हुई थी। इस दिन की अगर बात करें ना, तो इस दिन जो इंग्लैंड की महारानी थी, क्लियर, इंग्लैंड की जो क्वीन थी, क्लियर, इंग्लैंड की जो क्वीन थी, क्योंकि उस समय तक अगर बात की जाए, इस समय तक इंग्लैंड में सबसे सुप्रीम अथॉरिटी जो थी, सबसे पावरफुल जो लोग थे या सबसे पावरफुल जो व्यक्ति थे, वो कौन थी, वो क्वीन थी, क्लियर। तो इंग्लैंड की जो महारानी थी, जिनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम। और एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया था, एक चार्टर इशू किया था, चार्टर इशू किया था। और ये जो चार्टर इशू किया गया था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किया गया था, क्लियर। तो ये जो चार्टर था, ये इशू किया गया था किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। क्लियर हो गई बात इतनी। एक बार फिर से देखिएगा कि ऑन 31 दिसंबर 1600 ब्रिटिश क्वीन या इंग्लैंड की जो क्वीन थी, ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ फर्स्ट, इशूड अ चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ने एक चार्टर इशू किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब इससे इसका क्या मतलब होता है, तो इस चार्टर के द्वारा अगर बात की जाए, बाय दिस चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मोनोपोली प्राप्त हुई है, एक एकाधिकार प्राप्त हुआ है, क्लियर। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मोनोपोली प्राप्त हुई है, बाय दिस चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मोनोपोली मिली है। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, यानी इसके बिना सिर्फ एक ही व्यक्ति को अगर किसी प्रकार का राइट मिले तो उसे बोलते हैं मोनोपोली। किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी क्षेत्र में सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो काम करने का अधिकार मिलता है, तो उसे उस क्षेत्र में मतलब क्या हुई है, मोनोपोली प्राप्त हुई है। इट मीन्स कि बाय दिस चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मोनोपोली मिली है फॉर 15 ईयर। अच्छा, मोनोपोली किस चीज़ की मिली है, टू ट्रेड विथ ईस्टर्न कंट्रीज। तो ये बात अब क्लियर हो गई आप लोगों को कि ये जो चार्टर है, इस चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के साथ 15 वर्षों तक ट्रेड करने का, व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हो गया है। कितने ईयर तक, फॉर 15 ईयर। इनिशियली ये 15 ईयर की मोनोपोली थी, बाद में इन्हीं चार्टर्स के माध्यम से, इसी पर्टिकुलर एक परमिशन के माध्यम से, ये जो लिमिट है ये 15 ईयर से बढ़ाकर कर दी गई थी 20 ईयर्स। तो हर 20 20 साल की परमिशन इन्हें मिल जाती थी इन चार्टर्स के माध्यम से, जो इशू किए जाते थे ब्रिटिश क्वीन या ब्रिटिश, बाद में जब ब्रिटेन में पार्लियामेंट आ जाती है तब ब्रिटिश पार्लियामेंट इन्हें इशू करती है। इनिशियली क्वीन के द्वारा दिया गया था। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ऑन 31 दिसंबर 1600 दी ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इशूड अ चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी, वाई दैट दे कैन ट्रेड इन इंडिया, वाई दैट दे द कंपनी कैन ट्रेड विथ ब्रिटिश, विथ ईस्टर्न कंट्रीज, क्लियर, फॉर 15 ईयर। 15 सालों तक ईस्टर्न कंट्रीज के साथ आपको ट्रेड करने की परमिशन मिल गई है, व्यापार करने का अधिकार मिल गया है। कहाँ की ओर से, ब्रिटेन की गवर्नमेंट की ओर से। क्योंकि जो कंपनी है ना, ये कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, ये गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, ये एक प्राइवेट कंपनी है। और जब प्राइवेट कंपनी किसी दूसरे देश में जाना चाह रही है ट्रेड करने के लिए, तो उसको परमिशन लेना जरूरी होती है उसके देश से, क्लियर, उसको उस देश से परमिशन मिलना जरूरी है जिस देश की वो कंपनी है। चूंकि कंपनी ब्रिटेन की है, इसलिए उसे ब्रिटेन की महारानी से परमिशन मिलना जरूरी थी। अदरवाइज कंपनी तो 1599 में ही बन गई थी, लेकिन परमिशन मिली है 1600 या 1600 में। और अब जब इन्हें परमिशन मिल चुकी है, देन इन्होंने आना स्टार्ट कर दिया है इंडिया, और इंडिया से पहले
जो ईस्टर्न नेशंस हैं भारत के पूर्व में जो कंट्रीज हैं वहाँ पर इन्होंने आना शुरू किया। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि इन लोगों का जो टारगेट था वो इंडिया नहीं था, इंडिया से पहले इन लोगों का जो टारगेट था वो इंडोनेशिया था। क्लियर? तो इंडिया से ज़्यादा ये फोकस कहाँ पर थे स्टार्टिंग में लोग फोकस थे इंडोनेशिया के लिए। तो ये लोग इंडिया नहीं आए हैं, सबसे पहले कहाँ आए हैं, इंडोनेशिया आए हैं। और इंडोनेशिया में जो मसाला द्वीप था, जो स्पाइस आइलैंड के नाम से फेमस था, उसको इन्होंने अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की। क्लियर? तो मसाला आइलैंड तक पहुंचे थे सबसे पहले, और देन फिर जब इन्हें पता चला इंडिया के बारे में, इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसके बारे में, फिर ये इंडिया की ओर आना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये एक मैंने आप लोगों को बता दी है बात, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी है कि 31 दिसंबर सन 1600 को क्या हुआ था, 31 दिसंबर सन 1600 को क्या हुआ था। अब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ओवरऑल जो इंडिया में इसका इम्पैक्ट रहा है, या इंडिया में जो ओवरऑल इसकी हमने हिस्ट्री की अगर बात करें तो उसकी एक बात कर लेते हैं। चलिए, इसको हम इस तरह से बात करते हैं, तीन पार्ट में हम इसके पूरे हिस्ट्री को पढ़ते हैं या समझते हैं, तीन फेज में बात करते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी किस उद्देश्य से, किस पर्पज से ये कंपनी बनी थी, तो ये तो हम सभी को पता है कि कंपनी बनी थी क्या करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, इट मीन्स व्यापार करने के लिए। तो पहला जो कंसेप्ट हो जाता है वो हो जाता है ट्रेड का या व्यापार का। ये कंपनी आई थी, बनी थी, इसका एग्जिस्टेंस हुआ था सिर्फ और सिर्फ ट्रेड, सिर्फ और सिर्फ व्यापार। और इन लोगों ने आते से ही व्यापार ही किया है, इनिशियली इन लोगों ने सिर्फ व्यापार का ही काम किया है। और अगर हम इसके इतिहास की बात करें, देखो ओवरऑल अगर हिस्ट्री है ना, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की ओवरऑल हिस्ट्री की बात की जाए, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि 1600 से लेकर 1874 तक इस कंपनी का एग्जिस्टेंस रहा था। 1600 से 1874 तक ये कंपनी थी। 1874 में ब्रिटेन की ही पार्लियामेंट ने इस कंपनी को क्या कर दिया था, विघटित कर दिया था या खत्म कर दिया था। तो ये कंपनी समाप्त हो चुकी थी, एंड हो चुकी थी 1874 में, और एग्जिस्ट कब हुई थी, 1600 में। ठीक है, तो देखिए क्या है, सबसे पहला पर्पस क्या है, ट्रेड, ट्रेड के उससे उद्देश्य से आए थे। कब से कब तक इनका पर्पस ट्रेड ही रहा, 1757 यानी पलासी के युद्ध तक इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्या था, ट्रेड ही था या सिर्फ और सिर्फ व्यापार ही था। क्लियर? ऐसा नहीं है कि इस दौरान इनके युद्ध नहीं हुए थे, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए थे, बट जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे ना वो सिर्फ इनके कॉम्पिटिटर्स के साथ ही हुए थे, इनके प्रतिद्वंदियों के साथ ही हुए थे, ना कि इंडियंस रूलर्स के साथ इनके कोई झड़पें हुई है, कोई युद्ध हुआ है। तो ट्रेड का पर्पस था 1600 से लेकर 1757 तक, और इसी सिलसिले में इनके जो युद्ध हुए हैं वो ट्रेड पर, व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए अपने राइवल्स, अपने जो कॉम्पिटिटर्स थे उनसे हुए थे। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें तो तीन इनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं उसमें सबसे पहले पोर्तुगीज हैं, देन डचेस हैं, एंड थर्ड नंबर पे आ जाते हैं फ्रेंचेस या फ्रेंच। तो ये फ्रेंच, डच और पोर्तुगीज, इन लोगों के साथ इनके संघर्ष हुए थे इस दौरान। जैसे 1611 1611 की अगर बात की जाए तो 1611-12 में इनका सूरत के पास एक युद्ध हुआ था जिसे बैटल ऑफ स्वाली भी कहा जाता है, या सूरत का युद्ध भी बोलते हैं ना सिंपली। तो यहाँ पे इन्होंने पुर्तगालियों को हराया था। क्लियर? तो ये पुर्तगालियों से इनकी जो दुश्मनी है वो कई दिनों से चल रही थी, और एक युद्ध हुआ है, युद्ध में इन्होंने पुर्तगालियों को हराया, फिर कंटिन्यूअसली इनकी जो डिस्प्यूट है पुर्तगालियों से चले। बट 1654 1654 में पुर्तगालियों ने एक्सेप्ट कर लिया था ईस्टर्न ट्रेड पर अथॉरिटी, किसकी, ब्रिटिशर्स की। तो ये एक हुआ था। और फिर 1661 1661 के दौर में क्या हुआ कि पुर्तगाली जो महारानी थी, सॉरी पुर्तगाल की जो क्वीन, जो प्रिंसेस थी कैथरीन, उसका विवाह हुआ था चार्ल्स द्वितीय से, जो ब्रिटिश प्रिंस थे। तो क्या हुआ कि फिर उनके बीच में वैवाहिक संबंध भी आ गए, 54 में तो एक्सेप्ट कर ही ली थी अथॉरिटी, तो अच्छे फ्रेंडली रिलेशनशिप बन गए थे, फिर वैवाहिक संबंध बन गए, तो पुर्तगालियों और ब्रिटिशर्स के बीच में अच्छे संबंध बन गए थे, इट मीन्स ये हम बोल सकते हैं। फिर क्या हुआ, दूसरे कॉम्पिटिटर्स कौन थे, तो डच थे, और डचों के साथ इनके संबंध काफ़ी प्रॉब्लम में थे, काफ़ी इनके बीच में बैड रिलेशनशिप डेवलप हो रहे थे, काफ़ी क्रूरता उत्पन्न हो रही थी दोनों के बीच में। और चूंकि उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ट्रेड की जो कंपटीशन थी वो वही उसका कारण था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को क्या हुआ 1717 में जो रॉयल ऑर्डर था, जो शाही फरमान जारी हुआ था, उससे कई सारी छूट मिल गई थी, और वहीं डचों की बात करें तो उन्हें वो सारी परमिशन नहीं मिली थी। इसी कारण दोनों के बीच में ये कॉम्पिटिटिवनेस लगी हुई थी, और जिसमें डच धीरे धीरे पिछड़ रहे थे, इसी कारण ये दोनों के बीच में युद्ध होता है। और हम सभी को पता है कि बैटल ऑफ बेदरा एक इम्पोर्टेंट युद्ध है, इसे फैक्ट के रूप में ध्यान रखिएगा, है ना। तो एक बैटल ऑफ बेदरा हुआ था 1759 में, और उसके बाद डचों का इंडिया से क्या हुआ था, खात्मा हो गया था।
और तीसरे जो फ्रेंच थे इनके साथ इनके लंबे संघर्ष चले हैं, और ये तो इनके मतलब काफी बड़े दुश्मन कहलाते हैं, दोनों एक दूसरे के बहुत जानी दुश्मन है, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स। इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुए हैं वो तो तीन हुए हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कार्नेटिक वॉर्स। क्लियर? तो कार्नेटिक वॉर्स की अगर बात की जाए तो तीन कार्नेटिक वॉर्स हुए हैं, कार्नेटिक फर्स्ट सेकंड थर्ड, या हम उसे एंग्लो फ्रेंच वॉर भी बोलते हैं। फर्स्ट जो हुआ था वो 46 से 48 के बीच में हुआ था, फर्स्ट जो हुआ था वो हुआ था 1646 से 48 के बीच में। सेकंड की बात की जाए तो 52 से 55 के बीच में, और जो थर्ड था वो था 60 से 63 के बीच में। क्लियर? या 57 से 63 के बीच में, 1657 से 1663। तो ये जो कंटिन्यूसली इनके जो युद्ध हुए हैं जिन्हें हम कार्नेटिक वॉर्स के नाम से जानते हैं या एंग्लो फ्रेंच वॉर के नाम से जानते हैं। और फिर एक युद्ध इसी कड़ी में जो एक युद्ध आता है वो आता है 1660 में, जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस, जिसमें फ्रांसीसियों का इंडिया पर जो अथॉरिटी थी ट्रेड की वो खत्म हो जाती है, और ब्रिटिशर्स पूरी तरह से इंडिया के क्या बन जाते हैं, स्वामी बन जाते हैं। तो ये तीन लोगों के साथ इनके संघर्ष हुए हैं व्यापार के लिए ही, और व्यापार ही इनका पर्पस रहा है इस दौरान। दूसरी चीज अगर बात की जाए तो वो है पॉलिटिक्स एंड एक्सपांसनिस्ट। तो यहाँ पे दूसरा जो इनका पर्पस रहा है 1757 के बाद वो राजनीति रहा है, और दूसरा विस्तारवादी इनका कंसेप्ट रहा है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पॉलिटिक्स एंड एक्सपांसन। तो पॉलिटिक्स एंड एक्सपांसन की अगर बात करें, यानी राजनीतिक और विस्तारवादी की अगर बात की जाए, तो ये काम इन्होंने किया है 1757 से लेकर 1857 तक। इस दौरान जो ये कंपनी थी इसका दो काम था, एक तो पॉलिटिकल मामलों में इंटरफेयर करना, किसके, इंडियंस के पॉलिटिकल मामलों में इंटरफेयर करना और इंडिया पर पॉलिटिकली कंट्रोल कर लेना, और साथ ही अपने टेरिटरी को बढ़ाना, है ना। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को अपनी टेरिटरी मान चुकी थी, और इंडिया की टेरिटरी में अपनी टेरिटरी बना रहे थे, यानी इंडिया में इन्होंने अपनी पर्टिकुलर टेरिटरी बना ली है, ईस्ट इंडिया टेरिटरी हम बोलेंगे, यानी अंग्रेजों का क्षेत्र। और ये जो टेरिटरी थी ये लगातार ये अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करते जा रहे थे। क्लियर? अपने क्षेत्र में इंडियन के क्षेत्र को, इंडियन रूलर्स की रियासतों को शामिल करते जा रहे थे। इवन इन्होंने अफगानिस्तान तक अपनी टेरिटरी फैलाने की कोशिश की है, और एंग्लो अफगान वॉर भी हुए हैं, सिखों के साथ इन्होंने लड़ाई करी है, सिंध पर कब्जा किया, पंजाब पर कब्जा किया, अफगानिस्तान तक पहुंचे। क्लियर? नॉर्थ में अगर बात की जाए तो कश्मीर तक इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है। गुलाब सिंह को फर्स्ट जब एंग्लो सिख वॉर हुआ था, उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी, उसके बाद गुलाब सिंह को इन्होंने ही क्या किया था, अपॉइंट किया था। जो गुलाब सिंह पहले डोगरा रूलर बने थे जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है, और उन्हीं के ही वंशज हुए हैं, फिर बाद में अभी भी कर्ण सिंह जो हैं वो उन्हीं के वंशज हैं, ठीक है। तो ये एक बात की जा रही है कि पॉलिटिकल मामलों में इंटरफेयर किया, और दूसरा एक्सपांसन करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है 1757 से 1857 के बीच में, ये इनका रोल रहा है। और कई सारी ऐसी पॉलिसी है जो हम समझेंगे, जो हम डिस्कस करेंगे इस दौरान, इन्होंने जो रणनीतियां अपनाई हैं जिनके माध्यम से इन्होंने पॉलिटिकली कंट्रोल किया और एक्सपांसन भी किया, जिसे डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी ने कौन सी नीति लेकर आया था, तो डलहौजी ने एक नीति लाया था जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसके माध्यम से इन्होंने कई राज्यों को अपनी टेरिटरी बना लिया था, ठीक है। और अगर हम बात करें तो एक और पॉलिसी आती है जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। ये बेलेजली ने शुरू करी थी लगभग बात की जाए तो 18वीं शताब्दी के अंत में ये आई थी, और इस सहायक संधि की बात की जाए तो इसे भी एक्सेप्ट किया कई लोगों ने, और इसके माध्यम से ये पॉलिटिकल मामलों में इंटरफेयर इनका बड़ा था। जैसे 1798 में सबसे पहले हैदराबाद ने एक्सेप्ट की थी सहायक संधि, फिर मैसूर, है ना, कई स्टेट्स जिन्हें इन्होंने हरा दिया, उन्हें उन्हें मजबूर किया गया सहायक संधि स्वीकार करने के लिए।
और सहायक संधि में क्या होता था, ब्रिटिश फोर्स को रखना पड़ता था इंडियन रूलर्स को अपनी टेरिटरी में अपने खर्चे पर, क्लियर। और ये सिर्फ सिक्योरिटी की बात करते थे कि हम आपको सुरक्षा देंगे, बदले में ये वहाँ के पॉलिटिकल मामलों में भी इंटरफेयर करने लगते थे। तो ये जो दौर रहा है, ये जो दौर आप लोग समझ गए, ये दौर है 1757 से 1857 के बीच में, जिसमें इन्होंने पॉलिटिकल मामलों में इंटरफेयर किया है, पॉलिटिकली स्ट्रांग बनने की कोशिश की और एक्सपांशन का भी काम किया है, ठीक है। तीसरा जो फेज आता है उसे हम बोलते हैं फेज ऑफ डिक्लाइन, क्लियर। क्या बोलेंगे, फेज ऑफ डिक्लाइन। तो जो डिक्लाइन है यानी जो पतन है या जो विघटन हुआ है, विघटन का जो चरण है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो ये इसी चरण के साथ शुरू हो जाता है, इस सेकंड फेज के साथ ही शुरू हो जाता है, जिसमें ये पॉलिटिक्स एंड एक्सपांशनिस्ट की भूमिका में होते हैं, जब ये राजनीतिक मामलों में और विस्तारवादिता की जो नीति है उसको जो है कंटिन्यू रख रहे हैं, उसी दौरान या उसी के साथ साथ इनका पतन भी क्या होता है, शुरू होता है, क्लियर। और पतन होना जो शुरू होता है एक्चुअली वो एक प्रकार से पॉलिटिकली जो इनके राइट्स थे, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ना अगर हम बात करें तो 31 दिसंबर 1600 को जो हमने चार्टर की बात की है, उस चार्टर के माध्यम से इन्हें परमिशन मिली थी ट्रेड करने की, क्या करने की, व्यापार करने की। लेकिन धीरे धीरे ये जो परमिशन थी व्यापार से धीरे धीरे बदल गई थी, व्यापार के साथ साथ प्रशासन में भी। तो ये लोग ट्रेड करने के साथ साथ इंडिया में क्या कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहे थे, प्रशासन भी कर रहे थे, और ट्रेड में इनको मोनोपोली थी, ट्रेड में इनको एकाधिकार था, उसी प्रकार प्रशासन में भी इन्हें मोनोपोली थी, प्रशासन में भी इन्हें क्या था, एकाधिकार था। तो इंडिया में अगर सिर्फ और सिर्फ कोई ट्रेड कर सकती थी तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी, और कोई भी कंपनी इंडिया में नहीं आ सकती थी। और इंडिया में अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता था तो वो भी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी, और कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो ट्रेड की इनकी मोनोपोली थी इसे धीरे धीरे कम किया गया, ट्रेड की जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी से धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त करने की कोशिश की गई। और जब इन्हें ट्रेड की जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त कर दिया, फिर धीरे धीरे इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट थे उसे भी क्या किया गया, कम किया गया, और एडमिनिस्ट्रेशन से फाइनली इन्हें पूरी तरह रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, और यहीं पर इनका पतन कंप्लीट हो गया। 74 में तो सिर्फ इस कंपनी को जो है हटा खत्म ही कर दिया था। तो ये शुरू होता है 1813 से 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इस चार्टर एक्ट के जरिए क्या हुआ, देखिए हर बार जो चार्टर एक्ट आ रहे थे उन चार्टर एक्ट्स में, जैसे 1793 में आया है 1813, 1793, 1813, 1833, 1853, है ना, 1853 के बाद फिर 53 के बाद फिर 1853, ये जो चार्टर एक्ट था ना ये एक इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो चार्टर एक्ट आया है वो आया है 74 में, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है कि 1813 इस चार्टर एक्ट में जो ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो ले ली गई है, और अब वो सिर्फ दो ही ऐसे ट्रेड थे जो जिसमें उनकी मोनोपोली बची थी, बाकी सारे सेक्टर्स की, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की मोनोपोली इनकी खत्म कर दी गई थी। तो यहां पे क्या हुआ, एकाधिकार या मोनोपोली क्या की गई थी, खत्म की गई थी। ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अबोलिश्ड। तो यहां पे ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया, सिर्फ दो ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें मोनोपोली बनी थी, और वो दो सब्जेक्ट कौन कौन से थे, एक था चाइनीज सिल्क, चीनी रेशम का व्यापार, और दूसरा था टी यानी चाय एंड चाइनीज सिल्क, क्लियर। चाय और चीनी व्यापार, चीनी रेशम का व्यापार सिर्फ और सिर्फ अभी भी इंडिया से कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, क्लियर। ये बात फिक्स हो गई आप लोगों के लिए कि ओनली चाइनीज सिल्क एंड द टी, इन दो ट्रेड को करने के राइट्स अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे, बाकी सारे राइट्स किसे मिल चुके थे, तो अदर कंपनीज भी इंडिया में आ सकती थी अब, ठीक है। 1813 के बाद 1833 का जब दौर आया, 1833 का जब दौर आया है, तो इस चार्टर एक्ट है ना 20 ईयर के बाद नेक्स्ट चार्टर आया, और इस चार्टर के माध्यम से कंप्लीटली मोनोपोली को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया, यानी टोटली जो मोनोपोली थी पूरी तरह से जो मोनोपोली थी वो समाप्त हो गई, जो दो सेक्टर्स में इनको एकाधिकार मिले थे उन दो सेक्टर से भी मोनोपोली क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई, ठीक है। तो मोनोपोली वॉज कंप्लीटली अबोलिश्ड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ
नाउ दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. अब ये सिर्फ भारत में रिस्पॉन्सिबल है किस काम के लिए, भारत के एडमिनिस्ट्रेशन या भारत के प्रशासन के लिए ही अब ये रिस्पॉन्सिबल बचे हैं. अब इन्हें किसी भी प्रकार की व्यापारिक जिम्मेदारी, ट्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब इन्हें सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो 1833 में इन्हें 20 ईयर प्रशासन के अधिकार तो मिले, लेकिन 1854 का जब चार्टर एक्ट आता है तो 1854 के अगर चार्टर की बात की जाए तो 1854 में भी इन्हें जो परमिशन थी एडमिनिस्ट्रेशन की है ना, क्योंकि हर 20 ईयर में आता है, तो 1853 में है ना, 1833 की बात, 1853 1853 में जो चार्टर आता है इस चार्टर में भी इन्हें परमिशन मिल जाती है एडमिनिस्ट्रेशन की अगले नेक्स्ट 20 ईयर के लिए. लेकिन यहाँ पे ये साफ साफ हिदायत दे दी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ये जो 20 ईयर हैं अब आपके फिक्स नहीं है, है ना. तो 1853 में हम आपको परमिशन तो दे रहे हैं ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन करने की, प्रशासन करने की, बट अब आपके ये फिक्स नहीं हो गए हैं 20 साल. अब जब भी पार्लियामेंट को लगेगा, जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगेगा कि अब इंडिया में ईआईसी का शासन नहीं होना चाहिए, तब हम आपके एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म कर देंगे. क्लियर. और ऐसा ही हुआ 1857 में जब रिवोल्ट हुआ, और फिर 1858 में क्या हुआ है, 1858 में एक एक्ट आया था, एक अधिनियम आया था, और उस एक्ट को हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने 1858 में पास किया. और जो 1858 का एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858, इसके माध्यम से बाय दिस एक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईआईसी वाज टोटली फिनिश्ड. तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन था वो पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईआईसी वॉज टोटली फिनिश्ड. भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है. तो ये एक और इवेंट बताया. और फिर जो आता है, आती है बात, वो आती है 1874 फर्स्ट ऑफ जून 1874. तो यहाँ पे डेट भी बता देता हूँ, 1 जून 1874 में इस कंपनी को पूरी तरह से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया, या इसका विघटन कर दिया गया. ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी की टोटल तीन फेज में, जो तीन चरणों में इसकी हिस्ट्री है वो बता दी है. पहले फेज में इनका फोकस ट्रेड था, दूसरे फेज में इनका फोकस पॉलिटिक्स एंड एक्सपांशन करने का था, और तीसरे फेज में जो इनका डिक्लाइन है वो इस सेकेंड फेज के साथ ही शुरू होता है. अच्छा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हम बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा जो फेज रहा है, एकदम गोल्डन जो पीरियड रहा है इन लोगों का, अगर उसकी बात की जाए तो वो आता है 1813 में, जो मोनोपोली थी, ट्रेड मोनोपोली, वो छीन ली गई थी. तो ये 1752 से 1813 तक का जो दौर था ना, ये एकदम इनका अच्छा दौर था, एकदम गोल्डन पीरियड वाला दौर इसे हम बोल सकते हैं, 1752 से 1813 तक. यहाँ पे इन्होंने इंडिया की जो वेल्थ थी उसे काफी ज्यादा क्या किया है, लूटा है, है ना, उस बेल्ट को अपने साथ लेकर गए हैं, उस धन दौलत को अपने साथ लेकर गए हैं, उसे हड़पने की कोशिश की है. इंडिया के सोर्सेस को काफी ज्यादा इन्होंने एक्सप्लॉइट किया है, इसे लूटा है बिटवीन 1752 टू 1813. क्लियर. और हम सभी को पता है 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ है, बक्सर हुआ है, उसके बाद तो पूरे बंगाल को इन्होंने खाली कर दिया, और बंगाल एक प्रकार से बेल्ट स्टेट से पूरा पुअर स्टेट में कन्वर्ट हो गया. वहाँ पे भुखमरी आ गई, वहाँ पे काफ़ी परेशानियाँ आई, तो वो सब ये ब्रिटिशर्स के कारण ही हुआ. और 1752 से 1813 का दौर काफ़ी अच्छा रहा, ये बात बता दी मैंने आप लोगों को. काफ़ी पैसा कमाया कंपनी ने, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये है कि कंपनी पैसा काफ़ी ज़्यादा कमा रही है, बट क्या हो रहा है कि कंपनी जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अगर बात की जाए, तो कंपनी का जो वेल्थ है वो धीरे 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 उसका जो स्केल है वो कम होते जा रहा है. पैसा का वो खूब कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसा जो है वो कंपनी के ऑफिसर्स अपने पास रख रहे हैं, तो कंपनी वीक हो रही है, ऑफिसर्स जो है वो मजबूत हो रहे हैं. ऑफिसर्स काफ़ी अमीर हो रहे हैं, लेकिन कंपनी की जो हालत है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है. इट मीन्स कि इस कंपनी में ह्यूज करप्शन था, काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार था, और यही भ्रष्टाचार है
इसी भ्रष्टाचार के कारण ये कंपनी ज्यादा समय तक इंडिया में नहीं बच पाई। क्लियर, काफी मतलब ऐसा है कि ह्यूज करप्शन था। हर एक ऑफिसर अपना सेपरेट ट्रेड कर रहा था, कंपनी अपनी ट्रेड कर रही, कंपनी के साथ ऑफिसर भी ट्रेड कर रहा है। तो ये जो करप्शन था ना, काफी मतलब हर एक सेक्टर में, इन्होंने जब एडमिनिस्ट्रेशन में आए, प्रशासन में आए, तो इतना करप्शन था प्रशासन में। और इवन जब ब्रिटिशर्स भी आ जाएंगे, जब पार्लियामेंट्री रूल भी आ जाएगा, तब भी काफी करप्शन होगा एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन वाले पार्ट में। और यही कारण है कि ये लोग ज्यादा समय तक नहीं टिक पाए। क्लियर, देखिए यही जो करप्शन है ना, यही करप्शन आज हमारे नेचर में भी आ गया है, हमारे आज के समाज में भी जो भ्रष्टाचार है वो आया है। और ऐसा ही माना जाता है कि इस भ्रष्टाचार की भी जो देन है वो आपके ब्रिटिशर्स ही हैं, क्योंकि इन्होंने ही इंडिया में भ्रष्टाचार लेकर आए थे। और यही भ्रष्टाचार आज हमारे समाज में, आज हमारे दिमाग में, आज हमारे दिल में क्या हो चुका है, बैठ चुका है। ठीक है, तो इसके भी जनक हम बोल सकते हैं, हालांकि आरोप तो हम लगा ही सकते हैं चाहे हम कुछ भी हों। तो मतलब कहने के लिए हम बोल सकते हैं कि इस भ्रष्टाचार के, हालांकि हम मतलब हम अपने आप को काफ़ी ईमानदार तो बोल ही सकते हैं कि हम काफ़ी ईमानदार थे पहले से, तो हम हमारी ये जो ईमानदारी है, ये ईमानदारी पर इम्पैक्ट जो लगा है वो किसके कारण लगा है, ब्रिटिशर्स के कारण लगा। ठीक है, तो ये बात एक और तय हो जाती है कि हम काफ़ी ईमानदार थे। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। और अब हम आगे डिस्कस करेंगे जो पूरी की पूरी टाइमलाइन है, पूरी की पूरी जो आने से लेकर जाने तक की जो पूरी कहानी है, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हुए हैं उन्हें हम एक टाइमलाइन के रूप में समझते हैं। जैसे हमने पोर्तुगीज के बारे में पढ़ा था कि जैसे 1498 में आए, फिर 1500 में एक दूसरा मिशन आया, फिर 1502 में वास्को डी गामा डबल से आया, 1503 में इन्होंने एक कोचीन में अपनी फैक्ट्री खोली, है ना। तो ये सारा जो टाइमलाइन था पोर्तुगीज के समय हमने पढ़ा था, वैसे ही अब हम यहाँ पर भी एक टाइमलाइन बनाएंगे और उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फिर उन सारे इवेंट्स को इवेल्युएट करेंगे। ठीक है,